प्लास्टिक युक्त सामान बेचने से पूर्व दुकानदारों को धरोहर राशि लेनी होगी। नगर निगम ने इस नियम की जानकारी देते हुए इसके पालन की चेतावनी दी। नगर निगम द्वारा आगामी सावन मास के मद्देनजर प्लास्टिक के प्रयोग के संदर्भ में दुकानदारों को जागरूक किया गया। नगर निगम प्रवर्तन दल व पुलिस की टीम ने प्लास्टिक के उपयोग से संबंधित नियम की जानकारी दुकानदारों को दी और उनका कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। इस दौरान दुकानदारों को बताया गया कि गंगा घाटों पर समस्त दुकानदारों विक्रेताओं को उनके द्वारा जो पानी की बोतलों, चिप्स के पैकेट आदि में खाद्य पदार्थ, पेयजल या अन्य सामग्री का विक्रय किया जाता है, उस बिक्री से पूर्व उस ग्राहक से 50 रूपये धरोहर राशि के रूप में रखने के उपरांत ही ग्राहक को विक्रय किया जाएगा तथा इस्तेमाल के उपरांत प्लास्टिक खाली पैकेट, पानी की खाली बोतल को वापस करने पर धरोहर राशि वापस कर दी जाएगी। यदि किसी दुकानदार द्वारा बिना धरोहर राशि जमा कराए प्लास्टिक के सामग्री का विक्रय करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई करते हुए दुकान की बिक्री प्रतिबंधित कर दी जाएगी। तरह का अभियान है, क्या चेतावनी? देखिए, आप लोग सावन माह शुरू होने जा रहा है 4 तारीख को, और इस सावन माह के दृष्टिगत और नियमित साफ सफाई के दृष्टिगत भी अतिक्रमण ना करने के संबंध में भी ये अभियान हम लोग का निरंतर चल रहा है। यहाँ गोदवलिया से लेकर दशाश्वमेध घाट तक और फिर गिरजाघर चौराहे से लेकर के गोदवलिया होते हुए मंदिर 4 नंबर VIP गेट से होते हुए आगे मैदागिन तक किसी प्रकार का अतिक्रमण न रहे, सारा ये स्थान प्लास्टिक मुक्त हो, किसी प्रकार से प्लास्टिक, पॉलिथीन, प्लास्टिक का ग्लास और इस तरह की चीज़ों का प्रयोग ना हो, लिटरिंग ना हो, लोग इधर उधर ना फैलाएं, और रास्ते सारे आवागमन के लिए साफ सुथरे रहें, खाली रहें, रास्तों पर किसी प्रकार का अतिक्रमण ना हो, इसी चीज़ों के संबंध में और जागरूक करने के संबंध में ये अभियान है। तो जगह जगह गंदगी ना हो, प्लास्टिक से बचाने के लिए क्या अभियान में शामिल? अभी जो तत्काल हम लोग के माननीय नगर आयुक्त साहब और मेयर साहब के जो आदेश हैं उनके क्रम में एक हम लोग माननीय नगर आयुक्त की ओर से जो प्रयास किया गया है नवीन, उसके क्रम में एक हम लोग पंपलेट छपवाए हैं जिसको सब दुकानदारों को दिया जाएगा, जिसमें यह निर्देश और आदेश है कि अगर वो पानी की बोतल, प्लास्टिक के पैकेट में खाद्य सामग्री जो पैक्ड होते हैं उनको बेच रहे हैं तो 50 रुपये की धरोहर धनराशि जमा करने के उपरांत बेचेंगे, जिससे कि जो उसको खरीद रहा है वो उसको इधर उधर नहीं फेंकेगा, प्रयोग करने के बाद, खाने पीने की वस्तु को खाने के बाद, पानी पीने के बाद, प्लास्टिक की बोतल या पैकेट को संबंधित दुकानदार को ही वापस कर देगा और वो डस्टबिन में चला जाएगा, यहाँ वहाँ पर फेंकेगा नहीं, फैलाएगा नहीं कोई भी।